नमस्कार, आज आप देख रहे हैं जन की बात और मैं हूं दीपांशु प्रताप सिंह। आज हम बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में हैं। नजफगढ़ के इलाका जो दिखचाऊ कला के अंतर्गत हम इस जगह पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ सब्जियां की खेतियां हो रही हैं। आज पहले की तुलना में और अब की तुलना में कितना फर्क पड़ा है? बहुत क्या फर्क है। क्या मदद चाहते हैं बताइए, खुल के बताइए। घर हमारे जाना है मगर गाड़ी बंद है तो कहाँ किस तरह जाएंगे। अच्छा, अभी तो मतलब अभी 3 मई तक तो लॉकडाउन का समर्थन करेंगे आप? हाँ करेंगे। और उसके बाद? उसके बाद में घर जाएंगे। हाँ, हम तो यही बोलना चाहते हैं, हमारे यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कमाते हैं फिर भी खाना नहीं मिल रहा है। कमाते हैं फिर भी खाना नहीं मिलता। हाँ। तो जिसके यहाँ काम करते हो वो खाना नहीं देता है क्या आपको? ये खाना वाना कुछ नहीं देता है। वहाँ पर खाना लाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी का खाना मिलता है 10 आदमी के बीच एक आदमी का खाना मिलता है। तो यहाँ पे सरकार कहीं कुछ खाना उन्हें नहीं बांट रही है? सरकार तो स्कूल में बांट रहे हैं खाना, लेकिन नहीं मिल रहा है उतना। स्कूल में क्यों नहीं जाते आप लोग? वहाँ पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर कोरोना है, साइड में रहो, ऐसे करो ऐसे करो बोलने लगते हैं। तो हम लोग तो सावधानी तो बरतते हुए जाते होंगे ना, आप लोग वहाँ पे मास्क लगाते होंगे? हाँ, मास्क अभी भी मेरे जेब में है। तो मास्क लगाइए, उसको जेब में है क्यों रखे हैं, उसको लगा कर काम करिए। अभी मोदी जी ठीक किए हैं, अच्छा किए हैं, देश के बचाने के लिए किए हैं। मतलब देश के बचाव के लिए, मतलब आप लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा किए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आप लोग? सब मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के। यहाँ कितने साल से यहाँ पे आते हैं काम करने? यहाँ 4-5 साल से काम। 4-5 साल से काम कर रहे हैं जी। तो कितना अंतर हुआ आपको? बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा अंतर हुआ। क्या चाहते हैं आप सरकार से बताइए? खोल दे, ट्रेन चालू कर देगा तो सही रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप यहाँ से जाएंगे उधर तो और फैलने का डर है? फैल जाएगा, लेकिन यहाँ भी तक काम धंधा नहीं चल रहा है, क्या करेगा। मेरा नाम नितेश है और लॉकडाउन के दौरान काफी फर्क पड़ा है। अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो आज देश में जैसे इटली है, अमेरिका है, वह उसकी तरह हमारी हालत हो जाती। जैसे 2000% डेली मर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन उनका हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अब आपके सामने ये कॉलीफ्लावर ही है, इस पर तीसरे दिन ये लगा लीजिए 1500 रुपये खर्च होता ही होता है, बट लेकिन 1500 का तो बिकता भी नहीं। मतलब जितने का उसमें लागत है उतना लगता भी नहीं। सरकार से आप क्या चाह रहे हैं ये बताइए? सर मैं तो सरकार से यही चाह रहा हूँ, हम तो जैसे भी है देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, हम तो थोड़ा घाटा सह लेंगे, लेकिन जल्द से जल्द सरकार इसकी वैक्सीन जो कोरोना COVID-19 चला हुआ है इसका जल्द से जल्द प्रॉपर इलाज ढूंढे और जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो, जिससे कि देश का भी फायदा हो और किसानों का भी फायदा हो। सर मेरी निजी राय ये है, अगर इंडिया चाहती है 3 मई को लॉकडाउन हटे तो उनको अपने घरों में रहना होगा, ठीक है। अगर वो घर नहीं रहेंगे, बाई चांस अब ये विलेज दिचाउकला गाँव है, यहाँ पर कल ही आई थिंक कोरोना पॉजिटिव एक मिला है, ठीक है जी जी। अगर वो बाहर नहीं जाते उन्हें कोरोना होता नहीं। तो मतलब आप बेसिकली यही चाहते हैं कि लोग अपने घर से बाहर ना निकले अगर? हाँ। तो अगर जैसे आपकी खेती है जी, अगर मजदूर नहीं आएंगे तो आपकी खेती को नुकसान नहीं होगा? पैसे सर बिल्कुल नुकसान होगा। अभी आपके पीछे गोभी है, वहाँ मेरी चप्पल टिंडे और तोरी बो रखी है, उनमें 1000-2000 रुपए खर्च हुए हैं। तो अगर मजदूर नहीं आएंगे वो खराब हो जाएंगे, हमारा 1000-2000 का खर्चा मतलब जीरो हो जाएंगे। अभी आप देश को क्या कहना चाहते हैं, क्या आप लॉकडाउन का समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल। अब मैं अपने भाई बंधुओं से सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, घर पर रहिए, सेफ रहिए। दिखचाऊ कला का क्षेत्र और इस तरीके से लोगों की राय मिली है। देखते रहिए जन की बात। धन्यवाद।